गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। क्या बातें चल रही थी मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे? हाँ, यही ना कि मैं अभी उठा नहीं हूँ, अभी सर उठे नहीं हैं, अभी उठ जाइए सर, राइट? मेरा बर्थडे बर्थडे नहीं है, पता नहीं किसका हैप्पी बर्थडे है, पता नहीं किसको विश कर रहे हैं लोग। मेरा कोई बर्थडे नहीं है। ओके, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था, मैं उठ गया था टाइम पे। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कभी कभार हो जाता है। क्लास 8 बजे ही रहेगी, कोई क्लास 9 बजे नहीं रहेगी, क्लास 8 बजे ही रहेगी। 8 बजे की क्लास मैक्सिमम से मैक्सिमम कभी कभार 10 से 1 मिनट हो सकता है लेट स्टार्ट हो बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू, ये हो सकता है। अच्छा, थैंक यू सो मच गुरु पूर्णिमा के लिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। इंड एएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, राइट? इंड एएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। इंड एएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये तीसरा स्टैंडर्ड है जो हम असेट बेस्ड कैटेगरी का पढ़ रहे हैं, ठीक है? पहला स्टैंडर्ड पढ़ा था इंड एएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा हम पढ़ रहे थे इंड एएस 38 इंटेंजिबल असेट्स। अब हम तीसरा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं असेट बेस्ड कैटेगरी का, विच इज इंड एएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये भी आपको थोड़ा बहुत मतलब लगभग 20-25% आपको लगभग ये भी उसी टाइप का लगेगा। जब अपन इसके रिकग्निशन पे आएंगे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आएंगे, तो ये आपको उसी टाइप का थोड़ा थोड़ा लगेगा, उसका फील आएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, राइट? बट इसमें इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसकी डेफिनेशन। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इस पूरे स्टैंडर्ड का सबसे मेन पॉइंट है जिस पे आपको फोकस करना है, ठीक है? वो सबसे मेन पॉइंट है आपका डेफिनेशन। आइए देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, लैंड और बिल्डिंग और बोथ। मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? आई बात समझ में कि नहीं? लैंड और बिल्डिंग और बोथ हेल्ड बाय ओनर फॉर रेंटल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर बोथ फॉर रेंटल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन फॉर बोथ। ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या, कोई भी लैंड या बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग जो लैंड पे कंस्ट्रक्टेड है, जिसको आपने होल्ड करके रखा है, किस यूज के लिए, मतलब ओनर ने होल्ड करके रखा है, जिसको ओनर ने होल्ड करके रखा है किसके लिए, फॉर रेंटल्स। अब जैसे ही ये वर्ड आता है फॉर रेंटल्स, तो आपको याद आना चाहिए इंड एएस 16 का रेंटल। इंड एएस 16 में भी था, इंड एएस 16 में था पीपीई इज अ टेंजिबल आइटम विच इज हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन सप्लाई और रेंटल टू अदर्स। बट वहां का रेंटल और यहां का रेंटल डिफरेंट है। वहां का जो रेंटल था वो था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब रेंट पे देने का काम है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि फॉर एग्जाम्पल गेस्ट हाउस रेंट पे देने का मेरा काम है, होटल रूम्स रेंट पे देने का काम है, ठीक है ना, रूम रेंट। उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल, गाड़ियां रेंट पे देने का काम है। अब जो गाड़ियां हो गई, गाड़ियां तो व्हीकल हो गए, व्हीकल तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएंगे नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो सिर्फ क्या आता है, लैंड और बिल्डिंग। तो
वहां पर रेंट पे देने का मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था, ठीक है। अच्छा मैं चैट को डिसेबल करना तो भूल ही गया, क्योंकि यहां पर तुम लोग, मुझे पता है, कुछ 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 डिस्टरबेंस करते जाओगे दूसरे लोगों को। मेरी तो क्या आदत हो गई है। यस, चलो चैट इज डिसेबल्ड, क्योंकि तुम लोग ही आदत है, तुम लोग रुकोगे नहीं। अच्छा पॉइंट इज कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है लैंड और बिल्डिंग और बोथ हेल्ड बाय ओनर फॉर रेंटल। अब होता यह है जनरली कि सपोज आपके पास ऐसा कोई बिल्डिंग है, ऐसा कोई लैंड है जिसपे आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे हो। अब एक वर्ड याद रखना हमेशा, अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। अच्छा ये लिखा भी हुआ है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। वो जो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है उसका मतलब होता है कि जिस जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने अपना बिजनेस कर रहे हो, जैसे आपका फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, तो अगर ये आपके बिल्डिंग्स हैं जिसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हो उसको बोलते हैं ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंड एस 16 में कवर होती है। क्यों? बिकॉज इट इज हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस या रेंटल टू अदर्स। यहां पर लिखा है हेल्ड बाय ओनर फॉर रेंटल। फॉर यहां पर रेंटल का मतलब ये हुआ कि आप ओनर है, आपके पास एक बिल्डिंग रखा है, लैंड रखा है, उस पे आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, उसको आपने फॉर जस्ट अर्निंग पर्पस, फॉर अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम आपने उसको रेंट पे देके रखा है। बट अर्निंग द रेंट इज नॉट योर मेन कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, इट इज नॉट अ मेन कोर्स ऑफ एक्टिविटी। दूसरा फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। सर ये कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है? आमतौर पर हम हमेशा ये करते हैं कि चलो यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं और रखा रहे, आगे चल के इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो क्या पता हम शायद इसको आगे चल के बेच दें। फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन जनरली हर इंसान का एक पर्पस होता है कि वो एक इन्वेस्टमेंट करके रख ले ताकि उसकी वैल्यू बढ़ती रहे। और बोथ कैपिटल एप्रिसिएशन होता चलेगा, मैं उसको रेंट पे भी दे देता हूं फिलहाल फॉर द टाइम बिंग। सो दिस इज कॉल्ड ओन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या आएगा? लैंड आएगा या बिल्डिंग आएगा या बोथ, बट इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी, और कोई टेंजिबल आइटम नहीं आएगा, फर्नीचर फिक्स्चर नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ फर्नीचर फिक्स्चर अगर उसके साथ अटैच्ड है तो अलग बात है। आपने अटैच्ड फर्नीचर एंड फिक्स्चर के साथ आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो यस यू कैन से कि वो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। बट आपने फर्नीचर फिक्स्चर अलग से रखा हुआ है, अलग से खरीदा है, तो दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। व्हीकल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा, दीज आर नॉट आईपी। आईपी मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होंगे? पहला ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगा क्योंकि वो तो आपका इंडिया 16 में कवर हो जाता है। दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास, आप तो आपका काम ही है लैंड खरीदना बेचना, बिल्डिंग खरीदना बेचना, या लैंड खरीदना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाना बेचना। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप लैंड को खरीद के बेचते हो या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा के बेचते हो। इन दैट केस यू आर बिकमिंग द बिल्डर, ठीक है ना, रियल एस्टेट डेवलपर। तो ऐसे केस में लैंड एंड बिल्डिंग मे बी योर एएस कवर्ड अंडर इंड एएस 2, तो वो आपका इंड एएस 2 में कवर हो जाएगा। और तीसरा लैंड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर कस्टमर्स। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग कस्टमर्स के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब वो लैंड एंड बिल्डिंग जब आप कस्टमर के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वो लैंड एंड बिल्डिंग तो कस्टमर का है, आप तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर हो। और कॉन्ट्रैक्टर है तो ऐसे केस में आपका ऊपर लगेगा इंड एएस 115, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो कस्टमर के लिए, ठीक है, तो ये 115 लगेगा। तो कुल मिला के लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कई सारे स्टैंडर्ड लग सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है। पहला आपका इंड एएस 16 लग सकता है अगर लैंड एंड बिल्डिंग आपका ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आपका इंड एएस 2 लग सकता है अगर लैंड एंड बिल्डिंग आप उसको स्टॉक की तरह यूज कर रहे हो, आप लैंड खरीद के बेचते हो या फिर लैंड खरीद के उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा के बेचते हो, आपका ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो ये आपका स्टॉक इन्वेंट्री हो सकता है। तीसरा अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग
के ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करके आप कस्टमर के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हो, आपका मेन पर्पस ही है कि आप कॉन्ट्रैक्टर हो, लैंडर बिल्डिंग के लिए आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हो, तो ऐसे केस में माइट भी शायद आपका इंडेस 115 लग जाए। चौथा, आपने लैंड एंड बिल्डिंग होल्ड करके रखा है नॉट फॉर दीज थ्री पर्पसेस, ठीक है ना, जस्ट फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। इट इज योर लैंड एंड बिल्डिंग, यू आर द ओनर, इट इज हेल्ड बाय यू जस्ट फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन एंड यू आर अर्निंग इंसिडेंटल रेंट्स, आप उससे रेंट अर्न कर रहे हो एज एन अदर इनकम, ठीक है ना, एज एन अदर इनकम, तो ऐसे केस में वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकता है। क्लियर बेटा? सो एक फिक्स्ड असेट मतलब एक लैंड एंड बिल्डिंग अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स में आ सकती है आपकी बैलेंस शीट में। आपकी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग आपके पीपीई के अंदर भी आ सकता है, आपके पीपीई के अलावा आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर भी आ सकता है, ठीक है ना, उसके अलावा वो इन्वेंट्री की इन्वेंट्री में आ सकता है, वो डिफरेंट जगह पे आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग पार्शियली यूज्ड इन बिजनेस एंड रेस्ट पार्ट नॉट इन बिजनेस। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बिल्डिंग है, मान लीजिए उसका कुछ एरिया मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं, मतलब ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और कुछ एरिया मैं अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहा हूं और वो मैंने किसी और को रेंट पे देके रखा है, ठीक है ना। एक मान लीजिए एक बिल्डिंग है जिसमें दो फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर मैंने ऑक्यूपाई करके रखा है एज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, मतलब वो मेरा ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गई, और फर्स्ट फ्लोर मैंने ऑक्यूपाई नहीं किया है, मैंने फर्स्ट फ्लोर एज अ कैपिटल एप्रिसिएशन के रख लिया है, मतलब वो खाली है, ठीक है ना, या फिर मैंने किसी और को रेंट पे देके रखा है। ऐसे केस में क्या होगा, हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पस। अगर आपका लैंड एंड बिल्डिंग दो अलग अलग चीजों में यूज हो रहा है पार्शियली, तो क्या करेंगे, इफ पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड, रेंटेड, यूज्ड, ट्रांसफर्ड सेपरेटली, देन वन पार्ट विल बी आईपी, अदर पार्ट विल बी ओनर ऑक्यूपाइड। अब सीधी बात है, मैंने आपको बोला कि ग्राउंड फ्लोर मेरा खुद का है, मैं उस पर अपना बिजनेस कर रहा हूं, और फर्स्ट फ्लोर को मैंने किसी और को रेंट पे देके रखा है, मतलब फर्स्ट फ्लोर मैं अलग से सेपरेटली इसको रेंट पे चला सकता हूं, इवन मैं चाहूं तो फर्स्ट फ्लोर किसी को बेच भी सकता हूं, क्योंकि उसकी एंट्री पॉइंट ही अलग है, फर्स्ट फ्लोर में जाने का रास्ता भी अलग है। तो क्या फर्स्ट फ्लोर इज कैपेबल ऑफ बींग सोल्ड सेपरेटली, whether it is capable of being rented, transferred separately, if yes, तो first part को मैं आधा, मतलब overall cost of asset में से first part को मैं investment property मानूंगा और ground floor को मैं owner occupied property मानूंगा। If it could not be separated for sale, use, rental, the entire land and building will be IP only when insignificant portion is being used as owner occupied property। अब ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आप अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हो, मान लीजिए आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो किसी रीजन से, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का एग्जांपल छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो अलग अलग हो ही सकता है, मान लीजिए एक ही फ्लोर है, एक ही एरिया है, एक ही एरिया में आपने मैक्सिमम पोर्शन मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए यूज किया हुआ है, और थोड़ा सा ही पोर्शन आपने अलग करके रखा है जिसको आपने यूज ही नहीं किया है, वो इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है, तो ऐसे केस में माइट बी द इंटायर प्रॉपर्टी कैन बी ट्रीटेड एज योर पीपीई इन डे 16। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने मैक्सिमम पोर्शन एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह होल्ड करके रखा है और छोटा मोटा पोर्शन, इनसिग्निफिकेंट पोर्शन आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो, कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टोर रूम बना दिया, आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें आपने छोटे से एरिया में अपने बिजनेस के लिए स्टोर रूम बना लिया, बाकी एरिया आपका पूरा का पूरा खाली है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 1000 स्क्वायर फीट ऑफ बिल्डिंग एरिया, आउट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट आई एम यूजिंग जस्ट 100 स्क्वायर फीट एज अ वेयर हाउस और एज अ स्टोर फॉर माई बिजनेस, द रेस्ट 900 इज नॉट बींग यूज इन माई बिजनेस। सपोज वो 900 स्क्वायर फीट इज वो खाली है, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड एनीवेयर, आई हैव नॉट गिवन इट ऑन रेंट बेसिस आल्सो, क्योंकि वो सेपरेटली रेंट पे नहीं दिया जा सकता, या तो मैं 1000 पूरा का पूरा रेंट पे दे दूं, ठीक है ना, वो सेपरेटली रेंट पे नहीं दिया जा सकता। नाउ आई एम यूजिंग जस्ट इनसिग्निफिकेंट पोर्शन, ऐसे केस में मैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को क्या मानूंगा, मैं पूरा का पूरा प्रॉपर्टी को मानूंगा
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे बिजनेस में सिर्फ इनसिग्निफिकेंट पोर्शन यूज हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले डेफिनेशन डेफिनेशन में हमने देखा कि लैंड और बिल्डिंग और बोथ हेल्ड बाय ओनर फॉर रेंटल, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर बोथ। दूसरा, दीज आर नॉट आईपी। आईपी में क्या क्या नहीं होगा, आईपी में क्या क्या नहीं होगा, पहला ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या फिर लैंड एंड बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड फॉर कस्टमर। तीसरा, लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, अलग अलग स्टैंडर्ड आ जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा लैंड एंड बिल्डिंग पार्शियली यूज्ड इन द बिजनेस एंड पार्शियली हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में आपको देखना है कि क्या दोनों अलग अलग पोर्शन कैन बी कैपेबली, वेदर पर्टिकुलर पोर्शन इज कैपेबल ऑफ बींग सोल्ड सेपरेटली, रेंटेड सेपरेटली, ट्रांसफर सेपरेटली। इफ येस, तो अलग अलग को अलग अलग, एक फर्स्ट पोर्शन को मान लो इंडियस 16 में और सेकेंड पोर्शन को मान लो इंडियस 40 में। बट इफ द इंटायर पोर्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कैन नॉट बी सेपरेटली रेंटेड, और द पार्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ सेपरेटली रेंटेड और कैन बी सेपरेटली सोल्ड, ओनली द इनसिग्निफिकेंट पार्ट इज बींग यूज इन द बिजनेस, द इंटायर लैंड एंड बिल्डिंग विल बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एंड वाइज वर्सा, कि ओनली द इनसिग्निफिकेंट पार्ट इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, द रेस्ट इज बींग यूज एज ओनर ऑक्यूपाइड, द इंटायर विल बी कंसिडर्ड एज ओनर ऑक्यूपाइड। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट, एक सेकंड रुक जाइए, मेरा थोड़ा सा लैपटॉप खराब हो रहा है, हैंग हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही कॉमन है। मैंने आपको इंडिया 16 में पढ़ाया था रिकॉग्निशन की, दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो आप पीपीई को रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे मैंने आपको बताया था इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हो जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। कौन कौन सी दो कंडीशन थी? पहला, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो, और दूसरा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। फिर मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होगा, और कॉस्ट में दो चीजें आएंगी, परचेज कॉस्ट और डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। सर, यहां पर तीसरी डीकमीशनिंग कॉस्ट क्यों नहीं आ रही है? सिंपल सी बात है, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई डीकमीशनिंग कॉस्ट नहीं हो सकती है, जनरली यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग में नहीं हो सकती। तो सर, पीपीई में क्यों था? पीपीई में लैंड एंड बिल्डिंग कवर ही नहीं होती, सिर्फ बीपी में सारे के सारे एसेट कवर होते हैं। तो ऐसे केस में पीपी में स्पेशली डीकमीशनिंग कॉस्ट को स्पेशली इसलिए जोड़ा गया था जहां पर हैवी प्लांट एंड मशीन इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होते हैं और आफ्टर सो मेनी इयर्स वी हैव टू अनइंस्टॉल देम। तो यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग का केस है, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे सिंपली हम बात कर सकते हैं परचेज कॉस्ट और डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया 16। इंडिया 16 और इंडिया 38 में क्या पॉइंट था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, कि आप बैलेंस शीट डेट पर अपनी असेट को या तो कॉस्ट मॉडल या तो रिवैल्यूएशन मॉडल, आपको याद आ रहा होगा, कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल कर सकते हो। पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसा स्टैंडर्ड है जहां पर हमें रिवैल्यूएशन मॉडल मना किया गया है, हम रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं कर सकते, हम हमेशा कॉस्ट मॉडल पे ही रखेंगे उसको, कॉस्ट मॉडल पे ही रखेंगे। मतलब हम रिवैल्यूएशन मॉडल, मतलब हम फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं कर सकते। यस सर, बिल्कुल फेयर वैल्यू पे अपन मेजर नहीं कर सकते। फेयर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जस्ट फॉर द डिस्क्लोजर पर्पस इन द नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब इंडिया 40 में जो हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू निकालते हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर। तो यहां पर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट ओनली है। अब यहां पर जैसे ही कॉस्ट ओनली लिखा होता है, तो कॉस्ट ओनली का मतलब यहां पर क्या है? कॉस्ट ओनली का मतलब यह है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट। इसका मतलब यह कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है क्या? हाँ लगता है। मैं इसीलिए बार बार जोर देके बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को गलत फहमी होती है कि सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, सर डेप्रिसिएशन क्यों लगाएंगे, बल्कि उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, भले बढ़े पर आपको उसको हमेशा डेप्रिशिएट करना है। और आगे चल के अगर सपोज उसके ऊपर इंपेयरमेंट लगता है, तो इंडिया 36 के अंडर वो इंपेयर भी होगी,
तो याद रखेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट सिर्फ एक ही आपके पास है, कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू अप्लाई कॉस्ट मॉडल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट मॉडल? कॉस्ट मॉडल मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट। फेयर वैल्यू शैल बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। तो आपको फेयर वैल्यू निकाल के रखना है सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ, ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर्स, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अप्रोच, ठीक है? अच्छा, उसके बाद वन सेकेंड नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि हम कॉस्ट मॉडल पढ़ रहे हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? वैसे तो हमने देखा कि कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट और परचेज कॉस्ट, बट तीन चीजें, तीन डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली एक्सचेंज, दूसरी डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस, और तीसरा इफ हेल्ड बाय लेसी एज राइट ऑफ यूज असेट। मतलब हम यहां बात कर रहे हैं अगर इंड एस 116 के अकॉर्डिंग आपकी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है जिसके लिए थोड़ा सा आपको इंड एस 116 पता होना चाहिए। इंड एस 116 का नाम है लीजेस। पहले एक एक करके समझते हैं। पहला है एक्सचेंज। एक्सचेंज में तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम पढ़ चुके हैं। एक्सचेंज मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज किया और आपने इन एक्सचेंज आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी दिया, आपने इंटेंजिबल असेट दिया, आपने कोई पीपीई दिया, या फिर आपने कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिया, एक्सचेंज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज किया तो क्या करोगे? सीधी बात है, जो भी फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन होगा फर्स्ट प्रायोरिटी, फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड होगा सेकंड प्रायोरिटी, दोनों फेयर वैल्यू नहीं होंगी तो बुक वैल्यू। और यहां पर कैश रिसीव और कैश पेड को भी कंसिडर करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट इंड एस 38 में एग्जाम्पल्स दिए थे। तो जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स कल करवाए थे, कल मतलब इंड एस 38 के सेशन में करवाए थे, एक्सचेंज वाले इंड एस 38 के सेशन में मैंने एक्सचेंज वाले सारे एग्जाम्पल्स आपको करवाए थे कि सपोज फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन जो होगी उसको प्रायोरिटी देंगे तो कैसे देंगे, फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड को अगर मान लो गिवन नहीं होगा तो रिसीव्ड कैसे लेंगे, कैश रिसीव्ड होगा तो क्या करेंगे, कैश पेड होगा तो क्या करेंगे। तो पूरा का पूरा एक्सचेंज वाला फंडा बिल्कुल यहां पर चेंज नहीं होगा। डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस, ये भी वैसा का वैसा ही है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो और फॉर एग्जाम्पल आप पेमेंट करते हो आफ्टर बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, अब ये बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स में पढ़ा पढ़ा के थक गया हूं, बेसिकली आप भी समझते हो कि यहां पर क्या होगा कि क्योंकि हम धीरे धीरे पेमेंट करेंगे या फिर कुछ पीरियड के बाद करेंगे, तो जो भी आउटफ्लो हम करने वाले उसके प्रेजेंट वैल्यू मतलब कैश प्राइस इक्विवेलेंट पर, तो कॉस्ट इज इक्वल टू कैश प्राइस इक्विवेलेंट, इट इज इधर गिवन और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोस। आई मेरी बात समझ में? ठीक है बेटा, क्लियर बेटा? लास्ट, चलो मेरा लैपटॉप भी अब ठीक हो गया, चल रहा है। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है इंड एस 116 के कारण। सर ये इंड एस 116 कौन सा है? इंड एस 116 है लीजेस। लीजेस में सर कितनी पार्टीज होती हैं? लीजेस में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है लेसर जो अपनी असेट देता है दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी होती है लेसी जो असेट लेता है यूज करने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंड एस 116 में इतने बड़े चेंजेस हुए हैं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेंजेस नहीं हुए। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इंड एस 116 पढ़ा भी होगा, बट मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ा होगा क्योंकि मैं तो रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना? मैं इंड एस 116 पढ़ा थोड़ी रहा हूं। तो इंड एस 116 में दो पार्टीज होती है, एक होता है लेसर एक होता है लेसी। Now I am talking about lessee, not lesser. ठीक है ना? I am talking about lessee, not lesser. क्या लिखा है यहां पर? If held by lessee, अगर investment property lessee ने hold किया है as right of use asset, थोड़ा सा इसको मैं यहां पर define करना चाहूंगा, Leases जो होता है, leases में lesser या यू कैन से ओनर और लेसी। इंड एस 116 कहता है कि जो लेसर होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या तो ऑपरेटिंग लीज होगा
या तो फाइनेंस लीज होगा। अगर आपने इंडेस 116 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ये पॉइंट आपको शायद थोड़ा बहुत ना समझ में आए या फिर नया नया लगे, ठीक है। और इंडेस 116 के मैंने 500 वीडियोस यूट्यूब पे डाल के रखे हैं, तो आप देख लेना। ऑपरेटिंग लीज हो सकता है या फाइनेंस लीज हो सकता है, पर लेसी इफ लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ऑन लीज, टेकन ऑन लीज। अच्छा, मैं सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, ठीक है ना। तो लेसी हैज आर ओ यू असेट, आई होप आपको यह वर्ड याद होगा, आर ओ यू असेट। हमेशा लेसी उस लैंड एंड बिल्डिंग को क्या मानेगा, आर ओ यू असेट। आर ओ यू मतलब राइट ऑफ यूज असेट, मतलब लेसी के पास राइट है। अब लेसी ने चाहे 10 दिन के लिए लीज पर लिया, चाहे 100 दिन के लिए लीज पे लिया, चाहे 10 साल के लिए लीज पे लिया, चाहे 100 साल के लिए लीज पे लिया, इवन 10 दिन के लिए भी लिया, तो वो 10 दिन के लिए अपनी बुक्स में उसको असेट दिखाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो यहां पर देखो वही पॉइंट चल रहा है, इफ हेल्ड बाय लेसी, क्योंकि अगर लेसर ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होल्ड किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं लेसर पे भी आना चाहूंगा, मैं लेसी पे भी आना चाहूंगा। अगर लेसर ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात करेंगे, अगर लेसर ने किसी को वो प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग लीज पर दी है, मतलब लेसर भी कहीं ना कहीं रेंटल अर्न कर रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए जय चावला के पास एक बिल्डिंग है और मैंने अपनी बिल्डिंग आपको लीज पर दे दी और मैंने आपको कुछ ही टाइम के लिए लीज पर दी है, आप उसको क्या मानते हो? मैं वो भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेसर हूं, मैं आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं उसको मान लीजिए ऑपरेटिंग लीज मान रहा हूं। इसका मतलब मैंने आपको वो प्रॉपर्टी दी है और जिससे मैं आपसे रेंटल अर्न कर रहा हूं और मेरा काम है पढ़ाना। मैं तो प्रोफेशनल टीचर हूं, ठीक है ना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं टीचर हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ और है, पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको रेंट पे दिया, आई एम अर्निंग रेंटल। ऐसे केस में मैं इसको मानूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मैं इसको मानूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड और नॉट? सो when the lessor is giving the लैंड एंड बिल्डिंग ऑन लीज, ऑन ऑपरेटिंग लीज, लेसर विल ट्रीट इट एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पर अगर लेसर उस लैंड एंड बिल्डिंग को फाइनेंस लीज पे दे रहा है तो लेसर के पास कोई असेट है ही नहीं, क्योंकि फाइनेंस लीज के केस में लेसर हैज टू डी रिकॉग्नाइज। तो यहां पर मैं बोलूंगा नथिंग टू डू सिंस इट विल डी रिकॉग्नाइज द असेट फ्रॉम बुक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेसर अपने केस में ऑपरेटिंग लीज मान सकता है या फिर लेसर अपने केस में फाइनेंस लीज मान सकता है। अगर वो फाइनेंस लीज मान रहा है तो वो तो असेट को डी रिकॉग्नाइज कर लेगा। जब वो असेट को डी रिकॉग्नाइज कर लेगा तो वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानो, पीपी मानो, कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि फाइनेंस लीज है, उसने तो डी रिकॉग्नाइज कर लिया। पर अगर लेसर अपनी बुक्स में ऑपरेटिंग लीज मान रहा है तो ऐसे केस में वो अपने बुक्स में ऑपरेटिंग लीज मान रहा है तो वो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेगा, क्योंकि इट इज हेल्ड फॉर रेंटल बेसिकली, ठीक है, और रेंटल उसका मेजर ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं है। अब आते हैं लेसी के पास कि सर लेसी को जैसे ही वो असेट मिली, सर लेसर ने तो ठीक है वो असेट लीज पर दे दी, वो ऑपरेटिंग लीज हो सकती है उसके लिए या फिर फाइनेंस लीज हो सकती है, पर सर लेसी के लिए तो कोई कैटेगरी नहीं है, लेसी के लिए तो एक ही सिंगल कैटेगरी है, आरओयू असेट। अब कुछ लोग यहां पर ना डाउट पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब अगर लेसर ने ऑपरेटिंग लीज पर असेट दिया तो भी वो अपनी बुक्स में असेट दिखाएगा कंटिन्यूअसली? हाँ। और सर लेसी भी अपनी बुक्स में आरओयू असेट दिखाएगा, मतलब सर एक ही असेट को दोनों अपनी अपनी बुक्स में असेट दिखाएंगे? यस, पर यहां पर वो उस असेट को दिखा रहा है अपनी बुक्स में और यहां पर वो राइट को, क्योंकि लेसी को राइट मिला है, वो उस राइट को एज असेट बोल रहा है। तो लेसी के केस में क्या होगा, यहां लिखा हुआ है कि अगर लेसी ने किसी लैंड एंड बिल्डिंग को होल्ड करके रखा है राइट ऑफ यूज असेट को, तो ऐसे केस में वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। अब सर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्यों हो सकती है, डिपेंड करता है, आइए देखें इस पर समझते हैं। इफ लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ऑन लीज, लेसी हैज आरओयू असेट। अब इसमें भी दो चीज हो सकती है, इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं। लेसी इज यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इन बिजनेस तो ऐसे केस में
ऐसे केस में नो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नो आईपी. लेसी इज नॉट यूजिंग इन बिजनेस, ठीक है ना. मान लीजिए सबलीज पे दे दी इसने, सबलीज पर दे दी और उसने इंसिडेंटल कोई रेंट अर्न कर रहा है, तो मे बी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेसी के लिए हो सकती है. क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है? आरओयू असेट. आरओयू असेट विल बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इन दैट केस व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट असेट. लेसी उसको कॉस्ट क्या मानेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग. अगर मान लो आगे चल के कुछ डिसमेंटलिंग करने के आते हैं. क्यों सर डिसमेंटलिंग अब यहां क्यों आ गया? क्योंकि यहां पर लेसी है, हो सकता है उसको वापस करनी पड़े वो असेट, हो सकता है उसने लैंड लिया हो और लैंड के ऊपर उसने कुछ टेम्पररी कंस्ट्रक्शन करवा लिया और फिर उसने रेंट पे दे दिया हो, और हो सकता है आगे चल के वो जब लेसर को ये असेट वापस करेगा तो हो सकता है वो जो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन करवाया था वो उसको हटा के, वो उसको डिसमेंटल करके रिस्टोर करके दे दे लैंड, लैंड वापस से. तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये लेसी में ही आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि उसने लीज पर असेट लिया है, ठीक है. सो ये तीसरा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था. मुझे ये तीसरा वाला पॉइंट क्यों समझाना पड़ा? क्योंकि लेसी अगर आरओयू असेट होल्ड कर रहा है तो वो उसके लिए ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है ना. मतलब अगर अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, या फिर वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है. अगर वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुई या ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हुई, वॉट एवर इट विल बी, इट द कॉस्ट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट. द कॉस्ट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना. और प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, ये वही है प्रेजेंट वैल्यू पे लिखाएंगे. यहां पर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पर ये लेसी है, हो सकता है शायद 10 साल बाद मुझे ये लैंड वापस करनी पड़े लेसर को, और वापस करने के लिए मुझे जो भी मैंने ये टेम्पररी कंस्ट्रक्शन किया था वो मुझे डिसमेंटल करना पड़े, तो हो सकता है मुझे उसका कॉस्ट लगाया जा रहा है, इसीलिए मैं यहां पर ले रहा हूं. तो बेटा ये था आपका कॉस्ट ऑफ आईपी. इसमें तीन केसेस थे, पहला था एक्सचेंज का, दूसरा था डेफर्ड सेटलमेंट का, और तीसरा था हेल्ड बाय लेसी का, ठीक है. अच्छा लास्ट पॉइंट, उसके बाद मैं इकट्ठे आपके डाउट्स वगैरह एंटरटेन करूंगा. चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. सर ऐसा हो सकता है क्या कि आपने इनिशियली लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपने चार साल बाद डिसाइड किया कि अब मैं इसको अपने बिजनेस में यूज करूंगा, मतलब इट विल बिकम अ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. मतलब अर्लियर इट वॉज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नाउ इट बिकम्स ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. और वाइज वर्सा कि पहले आपने इसको खरीदा था अपने बिजनेस पर्पज के लिए, आप इसको यूज कर रहे थे बिजनेस में, आफ्टर सो मेनी ईयर्स आप उसको अब आप उसको अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो, इट विल बिकम अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. तो येस दिस बिकम्स द केस. ये ऐसे चार केस हो सकते हैं. पहला, लैंड एंड बिल्डिंग एज आईपी चेंज टू लैंड एंड बिल्डिंग एज पीपी. मतलब पहले लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब लैंड एंड बिल्डिंग आपका पीपीई बन गया. दूसरा, लैंड एंड बिल्डिंग एज पीपी चेंज टू लैंड एंड बिल्डिंग एज आईपी. पहले पीपीई था, अब वो आईपी बन गया. लैंड एंड बिल्डिंग एज आईपी चेंज टू इन्वेंट्री. पहले आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, अब वो आपका इन्वेंट्री हो गया. क्यों? क्योंकि अब आप, ऐसा होता था ना, याद करो, जैसे गुरुग्राम हो गया, गुड़गांव हो गया, एनसीआर हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया. पहले कितना होता था कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड पड़े होते थे. फिर धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया, रियल एस्टेट का इंपॉर्टेंस बढ़ता गया, मैक्सिमम किसानों ने अपने लैंड को कमर्शलाइज कर लिया, और लैंड को कमर्शियल करवा के फिर छोटे 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 प्लॉट्स करवा के, या फिर बड़े बड़े बिल्डर्स को बेच दिया, या फिर अपने लैंड के छोटे छोटे प्लॉट्स करवा के उन्होंने खुद ही कंस्ट्रक्शन करवा के बेचना शुरू कर दिया. सो अर्लियर फॉर देम हो सकता है पहले मान लीजिए मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखी थी, अब मैंने उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया इन्वेंट्री में, ठीक है ना. मैं उसको लैंड की प्लॉटिंग करके छोटे 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 प्लॉट्स बना के मैं उसको बेचूंगा. लैंडर बिल्डिंग एज इन्वेंट्री, मान लीजिए पहले मेरे लिए वो इन्वेंट्री था, अब वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया. तो दिस कैन बी द चेंज इन क्लासिफिकेशन. ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं है. व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्लासिफिकेशन देन इट इज टू बी ट्रांसफर एट द सेम कैरिंग अमाउंट. मतलब आपके पास पीपीई था, आज उसका कैरिंग अमाउंट 5 करोड़ है, आपने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया. नाउ दिस विल बिकम द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट 5 करोड़. अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो पीपीई था उसके ऊपर आप इंड एस 16 लगा रहे थे, तो आपने रीवैल्यूएशन मॉडल लगाया था, और रीवैल्यूएशन मॉडल लगाने के बाद ये 5 करोड़ का कैरिंग अमाउंट है. अब आप इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेके जा रहे हो, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आप इसको 5 करोड़ में लेके जाओगे, बट नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन नॉट मेक इट रीवैल्यू. अब ये 5 करोड़ पे ही दिखेगा लेस accumulated depreciation. तो ये डाउट मुझसे मत पूछना कि सर पहले हमने लैंडन बिल्डिंग खरीदा, हमने उसको पीपी माना, रिवॉल्यूशन मॉडल किया, वो 5 करोड़ तक आ गई,
डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा ऑब्वियसली, 5 करोड़ तक आ गई, सर हमने उसको चेंज कर दिया क्लासिफिकेशन, अब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई, अब हमने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाया, तो सर 5 करोड़ पे दिखाएंगे कि सर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाएंगे? उसको 5 करोड़ पे दिखाएंगे सेम कैरिंग अमाउंट पे, बट नाउ ऑनवर्ड्स आप उसके ऊपर रिवैल्यूएशन नहीं करोगे, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्लासिफिकेशन। और क्या है सर? और है आपका डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन मतलब जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेचोगे तो क्या होगा, आपको गेन या लॉस होगा ऑन डिस्पोजल और राइट ऑफ। डिस्पोजल मतलब सेल करना, राइट ऑफ मतलब आप राइट ऑफ कर रहे हो, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब आपकी किसी काम की नहीं बची, ना बिक रही है, आप उसको एक्टिवली कहीं पर सेल भी नहीं कर सकते, यूज भी नहीं कर सकते, अपने बिजनेस में भी नहीं कर सकते, आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो। सर ऐसा कैसा होगा? मान लीजिए भूत बंगला बन गया, यू हैव द लैंड एंड बिल्डिंग बट इट बिकम्स अ हॉन्टेड हाउस, ठीक है ना, एंड यू कैन नॉट सेल इट, इट हैज नो वैल्यू एट ऑल, एंड यू कैन नॉट यूज इट इन योर बिजनेस, यू वॉन्ट टू राइट इट ऑफ। दिस इज जस्ट अ जोक, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जनरली वो राइट ऑफ होगी नहीं, बट सपोज अगर ऐसा कोई केस होगा एक्सेप्शनल, तो इट बिकम्स अ हॉन्टेड हाउस एंड वेन यू आर राइटिंग इट ऑफ, तो इंटायर गेन और लॉस शेल बी ट्रांसफर टू पीएंडएल। इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स, ये कुछ खास नहीं है, आपको क्या क्या डिस्क्लोजर्स अपने नोट्स टू अकाउंट्स में देने हैं, आपको नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या देना है। अकाउंटिंग पॉलिसी यूज्ड टू ट्रीट आईपी, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, इंड एएस 40 अकाउंटिंग पॉलिसी क्या सजेस्ट करता है, कॉस्ट मॉडल, बट आपने अकाउंटिंग पॉलिसी क्या रखी है, आपने इंड एएस 40 को ही अप्लाई किया है कि आप रिवैल्यू कर रहे हो। देखो इंड एएस 40 तो सजेस्ट करता है कि कॉस्ट मॉडल करो, बट हो सकता है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट हो, ठीक है। दूसरा, क्राइटेरिया फॉर डिस्टिंग्विशिंग आईपी फ्रॉम पीपी, आपने अपने लैंड एंड बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना, ऐसा क्या क्राइटेरिया है जो कि वो आपकी पीपीई नहीं हो सकती, मतलब आपके पास क्या वैलिड रीजन है कि वो आपका ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है, क्या रीजन है कि आपने उसको आईपी माना, वो रीजन आपको बताना है, वो क्राइटेरिया बताना है। डेप्रिसिएशन मेथड, आप किस तरीके से डेप्रिशिएट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, अगेन बोलूंगा आईपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट होती है। एंड फेयर वैल्यू को तो हम इसको इंपॉर्टेंटली डिस्क्लोज करते ही करते हैं, ठीक है। सो गाइज, दिस वॉज योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो यू गाइज कैन आस्क। ये छोटा सा एक पॉइंट था, अब आप इसमें डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, आप इसमें मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ज्यादा इसमें पॉइंट है ही नहीं, बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है, इवन इसमें इंस्टीट्यूट ने भी कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन भी नहीं दिए। आप अगर इसमें एसएम निकालोगे स्टडी मैट, आपको इसमें कुछ ज्यादा खास क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। छोटा सा स्टैंडर्ड है बहुत ही, पर हाँ इंटरेस्टिंग है, कुछ पॉइंट्स उसकी इंटरेस्टिंग है। फर्निश्ड फ्लैट कैप्ड फॉर रेंटल मोटिव, वुड इट बी कंसिडर्ड एज आईपी, इफ सो हाउ द वैल्यूएशन वुड बी डन, वुड इट बी इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ फर्निश्ड फ्लैट कैप फॉर रेंटल मोटिव, वुड इट बी कंसिडर्ड, यस इट कैन बी कंसिडर्ड एज आईपी इफ एंड ओनली इफ द रेंटल इज नॉट योर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर लीज वाले एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लीज वाले एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 मिनट। अच्छा, किसी ने पूछा सर ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और हेल्ड बाय ओनर में डिफरेंस बता दीजिए। हेल्ड बाय ओनर मींस मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, चाहे मैं उसको बिजनेस में यूज कर रहा हूं, चाहे मैं बिजनेस में नहीं यूज कर रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टी है, बात खत्म। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब मेरी प्रॉपर्टी है और मैं उसको बिजनेस में यूज कर रहा हूं, दिस इज अ डिफरेंस। लैंड बिल्डिंग राइट टू यूज लाइक लाइसेंस टू यूज, कैन इट बी ट्रीटेड एज लाइक इंटेंजिबल असेट, सी इफ यू हैव लाइसेंस टू यूज इट, सो ट्राई टू चेक द एग्रीमेंट, क्या ये लीज तो नहीं है। इफ यू हैव राइट टू यूज दैट असेट, तो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट एज इंटेंजिबल, यू कैन ट्रीट इट एज लीज बिकॉज यू हैव राइट टू यूज, तो चेक द एग्रीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो लीज टाइप का एग्रीमेंट तो नहीं है। अब लीज एग्रीमेंट हो सकता है कि नहीं, उसके लिए आपको इंडियस 116 में लीजेस की कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। सर जब आपने पीपी आईपी बनाएगा तो बैलेंस रिवोल्यूशन सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में डाल देंगे? नहीं, ये पड़ा रहेगा, रिवोल्यूशन सरप्लस आपका पड़ा रहेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने भुवन गुप्ता, कि सर अगर मान लो पीपी को मैंने
आईपी कर दिया और उसके ऊपर अभी तक मेरे पास रिवेल्यूशन सरप्लस पड़ा था, सर उसका क्या होगा? वो पड़ा रहेगा जब तक आप फाइनली आईपी को बेच नहीं देते हो, ठीक है ना? वो पड़ा रहेगा, याद रखिएगा, वो पड़ा रहेगा। What about accumulated depreciation during reclassification from IP to PP? Not an issue. Accumulated depreciation will be continued because you are always depreciating the property, na? Whether it is a PP or whether it is a IP. What about accumulated? ये हो गया. When transferring IP, it is book value or carrying amount. See, book value and carrying amount is same, dear Kiran. Kiran, the book value and carrying amount, it is same. What is the logic behind not allowing revaluation model in this standard or not only cost and only cost model? See, I personally feel ki logic kya ho sakta hai, try to understand. Actually, jo iska original IFRS hai, IAS 40 karke hai, they allow to make revaluation. Actually, original jo iska international standard hai, wo allow karte hai ki aap kar sakte ho. यहां क्यों नहीं अलाउ किया गया है? यहां अलाउ नहीं किया गया है क्योंकि यहां पर हमारा प्राइम, हमने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना है। इसका मतलब हमारा यहां पर कहीं ना कहीं कैपिटल एप्रिसिएशन का पर्पस होगा ही होगा। हम जानते हैं कि हम इसकी वैल्यू, हम तो इसको एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह ही होल्ड कर रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ही बैठे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जब इंडिया में ये स्टैंडर्ड को ड्राफ्ट किया गया तो यहां इसके पीछे ये सोचा गया था कि भाई अगर हमने यहां पर रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउ कर दिया तो उसका गलत उपयोग किया जा सकता है, उसको हर बार बेवजह फालतू फालतू लोग हर साल उसको रिवैल्यू करते रहेंगे, हर साल उसको रिवैल्यू करते रहेंगे और अपनी नेटवर्थ दिखाते रहेंगे कि देखो हमारी, मतलब रिवैल्यूएशन के चक्कर में वो अपनी बेवजह विदाउट जेन्युइननेस वो अपनी नेटवर्थ दिखाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। सो ये एक इंटेंशन था कि हम यहां पर रोकना चाहते हैं एंटिटी को कि वो रिवैल्यू करे ही ना, बिकॉज ऑब्वियसली रिवैल्यू तो हो ही सकती है क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन का पर्पस है, बट ये प्रैक्टिस हर कोई व्यक्ति ना फॉलो कर दे तो इसीलिए इसको रोका गया। कैपिटल गेन टैक्स लगाने के लिए रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं किया जा सक, किया जाता कैपिटल गेन टैक्स लगाने के लिए रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं, हाँ नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता। वेदर लेसी कैन रिकॉग्नाइज एट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ओ भाई व्हाट यू आर आस्किंग श्रीकांत, प्लीज रेफर इंडियस 116। नाउ अंडर इंडियस 116 इट इज नॉट द रूल लाइक लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। You are referring the old standard, Ind AS 17. Now under Ind AS 16, only present value of lease payment plus initial direct cost. ठीक है? ये जो आप पूछ रहे श्रीकांत, ये पुराना स्टैंडर्ड में हुआ करता था। When lessee is using as business, it is not IP. Then it will come under this लेसी हेल्ड असेट एज ROU पॉइंट इन दिस स्टैंडर्ड। मैं समझा ही नहीं तन्वी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, पता नहीं आपने क्या पूछा है। सर होटल के केस में होटल की बिल्डिंग को आईपी मानेंगे या नहीं? आईपी नहीं मानेंगे क्योंकि वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसका मेन ऑपरेटिंग बिजनेस ही है कि होटल में रूम रेंट किराए पर देना है और उसका किराए पर देना मेन ऑपरेटिंग बिजनेस है। तो ऐसे केस में मोहित, इट विल बी ट्रीटेड एज पीपीई। जब प्रॉपर्टी को पार्शियली यूज करेंगे, सिग्निफिकेंट पोर्शन का पता नहीं चल पाएगा तो क्या मानेंगे? डिपेंड करता है कि आप भाई सिग्निफिकेंट पोर्शन का पता क्यों नहीं चलेगा, क्यों पता नहीं चलेगा? आप अपने आप को रीजन बताओ कि सिग्निफिकेंट पोर्शन का पता क्यों नहीं चल पाएगा। अगर आपको पता है कि यार इतना पोर्शन सिग्निफिकेंट है और एक पोर्शन इनसिग्निफिकेंट है तो आप अकॉर्डिंगली अपना सॉल्व सॉर्ट आउट कर सकते हो, बट आपको पता है कि दोनों पोर्शन इनसिग्निफिकेंट है, इसका मतलब दोनों अलग अलग मुझे मानने हैं। Property held as self-occupied property which does not have any carrying value as it was never recorded in books of accounts. Now considered as IP, how to record the same? Property held as self-occupied property which is not having any carrying value as it was never recorded means you have the property but it is a self-occupied. Self-occupied means obviously it must have the cost, na? Whatever that it has cost. Less depreciation, it will be a carrying amount. मतलब राधा, suppose you are having property, self-occupied property, it must have some carrying value obviously.
सो सर इट विल इट बी अ कार्व आउट एज रिवोल्यूशन मॉडल इज अलाउड इन IFRS बट नॉट इन येस इट बिकम्स अ कार्व आउट डेफिनेटली. हॉस्टल वाला एग्जाम्पल एक बार फिर बताइए सर. आईपी और पीपी हॉस्टल हो होटल हो ठीक है ना गेस्ट हाउस हो. अगर मैं हॉस्टल दे रहा हूं किराए पर तो मेरा मेन बिजनेस ही है ना किराए पर चलाना. हॉस्टल बॉयज हॉस्टल मेरा मेन बिजनेस है किराए पर चलाना. फॉर एग्जाम्पल कोटा. अब कोटा में मैक्सिमम लोगों ने हॉस्टल बनवा के रखे. क्यों? कोटा बिकम्स अ कोचिंग फैक्ट्री राइट. वहां पर बाहर से बच्चे आते हैं अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं पढ़ने आते हैं तो लोगों ने अपना मेन बिजनेस करके रखा है. यू वोंट बिलीव मेरे मतलब मेरे रिलेटिव्स लोग हैं कोटा में सबने सब छोटे छोटे घर पे रहते हैं पर उन्होंने बड़े बड़े घर बना के रखे हैं बड़े बड़े बंगले बना के रखे हैं हॉस्टल टाइप से बना के रखे हैं तो उनका मेन बिजनेस बन गया है वहां पर और वो कुछ काम ही नहीं करते. इट बिकम्स अ बिजनेस तो इट इज अ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. तो हॉस्टल होटेल्स दीज ऑल आर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज मतलब पीपी. इफ बिल्डिंग इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड देन रिक्लासिफाइड. व्हेन इट इज अ फुल्ली डेप्रिशिएटेड तो कोई चांस ही नहीं होता ना रिक्लासिफाई करने का ठीक है ना. या तो अगर रिक्लासिफाई करना चाहते हो तो आपका अगर फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुका है तो आप पहले उसको रिवैल्यूएशन मॉडल करो पीपीई को. अब आपकी वो रिवैल्यू हो गई अब आप उसको चेंज कर दो आईपी में दैट्स इट. आप ये भी कर सकते हो. वेदांत सर बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर रेंट दिया फर्स्ट फ्लोर एक फ्लोर बिजनेस के लिए एंड एक फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड किया देन हाउ विल बी रेंट ट्रीटेड इन इंडियस 40. जो फ्लोर आपने बिजनेस पे दिया है अगर वो सेपरेटली आइडेंटिफाइड है तो उसको पीपी मान लो. बाकी दो फ्लोर्स आपके इंडियस 40 में आ जाएंगे क्योंकि बाकी आपने एक रेंट पे दिया एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है. सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप उस पर कुछ कर नहीं रहे हो आपने उसमें बिजनेस तो किया नहीं है राइट. तो वो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा. Why not, sir? Why, sir, not use revolution method? मैंने इसका बता दिया था. Why we are not using revolution method? क्योंकि intention यहाँ पर सीधा-सीधा ये है कि institute मतलब यहाँ पर MCA नहीं चाहता कि हर कोई इसका गलत benefit ले बार-बार revolution करने का. मैं business ही rent हो गया hostel वाला case में तो inventory नहीं होगा. क्यों तू बेच रहा है क्या? Inventory मतलब क्या? Held for sale. यार final के student हो यार. Whatever what you are asking मतलब. दिव्या ये इन्वेंट्री कैसे होगा? वेदर यू आर होल्डिंग इट फॉर सेल पर्पस यू आर रेंटिंग इट आउट. रेंटिंग इज नॉट अ सेल इट विल नॉट इन्वेंट्री. एक्सचेंज के केस में वी आर प्रोवाइडिंग एनी सर्विस और डूइंग एनी एक्ट और फॉरबियंस एक्ट विद असेट तो विल इट बी कवर्ड एट एक्सचेंज. बिल्कुल इट विल बी कवर्ड एट एक्सचेंज. देन इट केस इन केस इन दैट केस द सर्विस वी आर गिविंग इज द फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस गिवन. Then when lessee is using asset as business, it will not IP. Then it will not be covered in this standard. Yes, if the lessee is using the ROU asset as owner occupied property, matlab under business, it will not be treated as IP for him. Sir, after classification to impairment IP, it will be no revaluation. There will be no revaluation. How will the impairment loss be known? How will the impairment loss be known? Means impairment loss be known means impairment loss. Impairment to Ind AS 36 ke according hota hai. Revaluation aap nahin karoge investment property ka, par impairment to karoge na. Impairment ke liye recoverable amount or carrying amount, whichever is low. Recoverable amount must be lower than carrying amount. So impairment is a different thing. Revaluation is a different thing. Revaluation matlab fair valuation karna. Impairment matlab yahan par आपका रिकवरेबल अमाउंट से आपको उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना. इंपेयरमेंट से हमेशा वैल्यू रिड्यूस होती है. रीवैल्यूएशन से हो सकता है वैल्यू बढ़ जाए. तो यहां पर इंटेंशन है कि हम रीवैल्यू नहीं करना चाहते वैल्यू बढ़ाना नहीं चाहते. आप इंपेयरमेंट करना चाहो करो ना. और इंपेयरमेंट के भी इंडिकेशन होते हैं. ऐसा नहीं कि हमेशा इंपेयरमेंट होता ही होता है. इंपेयरमेंट के 7 इंडिकेशन होते हैं. अगर वो 7 में से कोई भी एक इंडिकेशन फॉलो होगा तो ही आप इंपेयरमेंट करोगे. Why not revolution surplus be de-recognized instantly? See, revolution surplus हम de-recognize instantly नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं. हो सकता है आगे चल के आप फिर से अगेन चेंज इन क्लासिफिकेशन करो. वापस से हो सकता है आप पीपी बना लो. आपने सिर्फ क्लासिफिकेशन चेंज किया ना. आप उसको बेच थोड़ी रहे हो मार्केट में. क्या आप उसको मार्केट में बेच रहे हो क्या?
ठीक है, जब आप आईपी को फाइनली राइट ऑफ कर दोगे, सेल कर दोगे, तो आप रिवेल्यूशन रिजर्व को लेके जाओ ना, स्टिल यू हैविंग सोल्ड इट, तो यू कैन नॉट से सी ट्राई टू अंडरस्टैंड रिवेल्यूशन सरप्लस को जनरल रिजर्व में ले जाना, मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हो कि मैंने वो प्रॉफिट एक्चुअली अर्न कर लिया, मतलब इट बिकम्स अ फ्री प्रॉफिट. हाउ इट बिकम्स अ फ्री प्रॉफिट? वेदर योर आईपी इज सोल्ड? नो सर. लिंक ऑफ इंडिया 113 इन केस वी शो बिल्डिंग एट फेयर वैल्यू. सी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर आईपी अंडर इंडिया 40 वी कैन नॉट शो द बिल्डिंग एट फेयर वैल्यू. एज फार एज द लिंक यू आर आस्किंग इंडिया 113 में सिर्फ बताया गया है कि फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाती है. 113 से इसका कोई लिंक होगा ही नहीं, क्योंकि फेयर इंडिया 113 में सिर्फ ये बताया जाता है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू. हाउ? 113 इज नॉट अबाउट द डिस्क्लोजर्स. 113 इज अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू. दैट इज टोटली डिफरेंट. इज इट पॉसिबल दैट आईपी इज हेल्ड फॉर सेल? व्हेन एज सून एज द आईपी इज हेल्ड फॉर सेल इट विल बी कवर्ड अंडर इंडिया 105. गुड क्वेश्चन शुभम महेश्वरी, गुड क्वेश्चन. आईपी जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तो अब उसको बेचने वाला हूं, मेरा क्लियर इंटेंशन है कि विद इन 12 मंथ्स में उसको बेचने वाला हूं, इट विल बी कवर्ड अंडर इंडिया 105. सर प्लीज रिपीट द मेजरमेंट पार्ट ऑफ चेंज ऑफ आईपी इनटू पीपी. चेंज ऑफ आईपी इनटू पीपी व्हाट विल बी द मेजरमेंट? नथिंग विल बी द इंपॉर्टेंट मेजरमेंट. देयर इज ओनली अ सिंपल केस. जितने वैल्यू पर आपकी आईपी दिख रही थी उतने वैल्यू पर ही आपका पीपी दिखेगा, या जितने वैल्यू पर आपकी पीपी दिख रही थी उतने वैल्यू पर आपका आईपी दिखेगा, सेम कैरिंग अमाउंट पे दिखाएंगे. हीना बंसल, बिजनेस कॉम्बिनेशन में इंटेंशन चेंज हुआ तो क्या इंटेंशन? मतलब मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन. सर आपने अपने वीडियो में कहा था कि इवनिंग में रखेंगे चार्ट रिवीजन का सीजन. हाँ यार थोड़ा सा अब मैं मॉर्निंग में रखूंगा. सर प्लीज एक्सप्लेन इट ट्रीटमेंट फॉर डेफर टैक्स व्हेन बुक वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एज देयर प्रेजेंट वैल्यू एस्टिमेशन मे चेंज. स्तुति, इट आई विल डिस्कस इट इन इंडियस 116 लीजेस में, क्योंकि यहां पर तो सिंपल है ना, यहां पर आप अपनी आईपी को दिखा रहे हो, ठीक है, और ऐसे केस में यहां पर आपका टैक्स बेस तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज यू आर फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल ऑब्वियसली, तो यहां पर डेफर टैक्स का कोई बराबर मतलब होगा नहीं. हम जो आप जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज बोल रहे हो लीजेस में, वो हम इंडियस 116 में डिस्कस करेंगे डेफर टैक्स का. व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन एंड टेकन असेट बोथ आर नोन देन व्हाट विल बी द कॉस्ट? प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन. हमेशा बताया है, बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं मैं. प्रिंस, विल शॉप्स गिवन फॉर रेंट इन द मॉल हेल्ड बाय ओनर बी क्लासिफाइड एज पीपी और आईपी? आई थिंक पीपी, बिकॉज यहां पर मैंने अगर एक मॉल बनवाया, ठीक है ना, रिलायंस ने अपना एक मॉल बनवाया, अब रिलायंस का काम ही यही है कि उसको शॉप को रेंट पे देना है, ठीक है ना, तो आई थिंक इट शुड बी पीपी. मतलब ये क्वेश्चनेबल हो सकता है, बट मेरा मानना है कि यहां पर पीपी होना चाहिए, आईपी नहीं होना चाहिए. सर इन केस ऑफ अपवर्ड रिवेल्यूशन नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज होगा या नहीं? यार नोट्स टू अकाउंट्स में आपको फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करना है, चाहे आप अपवर्ड हो चाहे आपका डाउनवर्ड हो. आज मेरी आईपी 5 करोड़ की है, उसका फेयर वैल्यू 8 करोड़ है, तो आप उसका फेयर वैल्यू दिखाओगे कि इट इज हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 8 करोड़. उसकी फेयर वैल्यू आज 3 करोड़ है, तो आप 3 करोड़ दिखा दोगे. सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर करोगे. पीपीई टू आईपी क्लासिफिकेशन करेंगे तभी रिवेल्यूशन मॉडल वाली असेट को रिवेल्यू करके बाद हम क्लासिफिकेशन चेंज करेंगे, या जो वैल्यू होगी उसी पे लेके जाएंगे? परेश पवार, इट डिपेंड्स. यहां एंटिटी कहीं ना कहीं कर सकती है कि पहले पीपीई को रिवैल्यू कर दिया चुपके से, फिर उसने क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया, ऐसा किया जा सकता है. बट इसमें ऑडिटर हो सकता है, इसमें ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में यह चीज फैक्ट डाल दे कि देखो फॉर द पर्पस ऑफ रिक्लासिफिकेशन उन्होंने पहले रिवैल्यू कर दिया ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आज फेयर वैल्यू पे दिखे. पर ये किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है एंटिटी के इंटेंशन पे. कंप्लीट स्मॉल स्टैंडर्ड इन वन डे सेशन. सर इंडिया 12 एंड 40 का लिंक हो सकता है? 12 और 40 का लिंक बहुत ही कम हो सकता है, क्योंकि आप यहां पर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो, तो जनरली कॉस्ट और टैक्स बेस हमेशा सेम होगा जनरली. हाँ लिंक क्या हो सकता है कि डेप्रिसिएशन का आपका मेथड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग है और आपके टैक्स इनकम टैक्स में अलग है, तो वही डेप्रिसिएशन के चक्कर में टाइमिंग डिफरेंस, वही लिंक हो सकता है, बस दैट्स इट. इसके अलावा कोई और लिंक नहीं हो सकता.
आईपी इज चेंज इन टू पीपी, कैन इट बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू इन सबसेक्वेंट ईयर? यस यू कैन यूज रिवैल्यूएशन मॉडल, यस यू कैन यूज द रिवैल्यूएशन मॉडल, नेहा वर्मा। इंपेयरमेंट लगाया जाएगा क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर? यस लगाया जाएगा, लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। Acquiree was using as PP but after business combination acquirer is using as IP. Yes, it can be. Hina Bansal, yes, ho sakta hai, might be, bilkul ho sakta hai. Please upload yesterday class. No comments. Aur kya doubt hai? Aur kya doubt hai? Audio problem to nahi hai yaar. How frequently we should reclassify? कैसे क्वेश्चन पूछते हो? How frequently we should reclassify? ये क्या रूल है क्या reclassify करना है? वेदांत, how frequently we should use reclassify? क्या पूछ रहे हो? हैं? कहां से आते हैं ऐसे लोग? मतलब seriously, how frequently? It depends on the purpose for what you are reclassifying. क्यों करोगे बार बार reclassify? क्या फालतू का पूछ रहे हो क्वेश्चन? ये कोई रूल थोड़ी है कि बस रिक्लासिफाई करते जाना है हर दो दो साल में। ऐसा थोड़ी कि डॉक्टर ने लिख के दिया कि सुबह गोली लेनी है शाम को गोली लेनी है, लेना ही पड़ेगा तभी ठीक होगे। इट इज नॉट लाइक दैट यार। इफ मेजर मॉडिफिकेशन डन टू इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग फॉर यूजिंग इट एज ओनर ऑक्यूपाइड फ्रॉम नाउ देन कॉस्ट विल बी रिकॉग्नाइज टू वैल्यू? You are asking different question, Niharika. Sir, major modification done to investment building for using it as owner-occupied property, then cost will be recognized to value? Yes, cost will be capitalized, definitely. पहले property PPE था और अब IP हो गया, there's an impairment. Can I reduce the impairment loss from revaluation surplus and then P&L or directly? Yes, you can use the revaluation surplus. You can use the revaluation surplus, not an issue. कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। अमित जैन, सर प्लीज वन एग्जाम्पल ऑफ डेप्रिसिएशन। सिद्धि, नॉर्मली आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट करोगे 10%, 20%, whatever, SLM, WDV, उसमें क्या एग्जाम्पल दूं मैं? इंपेयरमेंट किया तो उसकी वैल्यू तो कॉस्ट से कम हो जाएगी, तब तो ये कॉस्ट बेस्ड होगी, हायर ऑफ फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज इज इट इज। मैं नहीं समझा, डिजिटल मार्केटिंग करके कोई है, मैं नहीं समझा उसका कोई डाउट। सर नोट्स में फेयर वैल्यू शो करने का रीजन कंसोलिडेशन में वैल्यूएशन हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं। सर कीप दिस क्लास फॉर 12 आवर्स, नो कमेंट्स। इंडिया 12 लैंड बिल्डिंग एज पर टैक्स बुक्स इंडेक्सेशन विल अप्लाई? यस यू कैन मेक इंडेक्सेशन वाला पॉइंट लगा सकते हो, इंडेक्स 12 वाला बिल्कुल लगा सकते हो, 100% लगा सकते हो। सही पूछा भार्गव, भार्गव सही, यस वेरी गुड। इफ लैंड एंड बिल्डिंग इज पार्शियली यूज्ड इन बिजनेस एंड पार्शियली नॉट इन बिजनेस एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फॉर सेल और लीज एंड बोथ आर सिग्निफिकेंट पोर्शन, बोथ आर सिग्निफिकेंट बट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये देखो, ये आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया डिलेमा वाला कि बोथ कैन नॉट बी सेपरेटेड बट दोनों पोर्शन सिग्निफिकेंट है। नाउ वॉट टू डू? नाउ ऐसे केस में इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या चाह रहा है, मतलब यहां कोई, ये कोई लॉ नहीं पढ़ रहे हम, यहां मैनेजमेंट का इंटेंशन है। यहां पर किसी ना किसी तरीके से अगर आप किसी वैल्यूअर को, किसी एक्सपर्ट को बुला के दोनों का पोर्शन का अलग अलग वैल्यू, अलग अलग सिग्निफिकेंट पोर्शन का वैल्यू निकलवा सकते हो। आप ये देख सकते हो इसमें कि क्या वैल्यूअर मुझे अलग अलग पोर्शन का वैल्यू निकाल के दे सकता है क्या? अगर वो निकाल के दे सकता है, दैट मींस पोर्शन इज सेपरेबल। अगर ऐसे केस में वो भी नहीं निकाल के दे सकता, तो ऐसे केस में यू हैव टू यूज योर जजमेंट, इधर पीपी फुल्ली और इधर आईपी फुल्ली। सर कैन सेपरेट यूनिट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू एज पर इंडिया 16 एंड कॉस्ट एज पर इंडिया 40? सेपरेट यूनिट ऑफ सेम प्रॉपर्टी, सेपरेट यूनिट ऑफ सेम प्रॉपर्टी, यस, बिकॉज सच यूनिट्स कैन बी कैपेबल ऑफ बींग सोल्ड सेपरेटली, रेंटेड सेपरेटली, देन वन कैन बी 16, वन कैन बी 40, यस वी कैन डू इट।
वासु शर्मा हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर जी, थैंक यू बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग पार्शियली ये हो गया सर। एग्जाम में केस स्टडी आ सकती है क्या, जैसे लॉ एंड ऑडिट में आएगी? चांसेस आर वेरी लो फॉर केस स्टडी, यस, बट इट कैन, दे कैन आस्क द केस स्टडी डेफिनेटली। और एक केस स्टडी है, एक आरटीपी का क्वेश्चन है, केस स्टडी तो नहीं है बट उन्होंने कुछ सिचुएशंस बताई थी, उसके बेसिस पे उन्होंने बताया था कि बताइए कौन सी इंडियस 16 में आएगी और कौन सी इंडियस 40 में आएगी, उन्होंने डायरेक्टली पूछा था। तो यस, ऐसा एक आध क्वेश्चन मेरे, शायद मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में भी शामिल किया है और आरटीपी में भी है, डेफिनेटली है। आरटीपी या फिर एमटीपी, मुझे ऐसा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बट है। चलिए, आई थिंक अब कोई डाउट्स तो नहीं पूछे जा रहे। सो एक दिन में एक स्टैंडर्ड, सिर्फ मेरा ये रूल है, एक दिन में एक स्टैंडर्ड होगा। सो मुझे सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके जितने भी डाउट्स आए वो मैक्सिमम डाउट्स आपके चेंज इन क्लासिफिकेशन पे आ रहे हैं। आप शायद एक बात ये नहीं समझ पा रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूं कि सबसे पहले तो वैल्यू क्या रखनी है, वैल्यू सेम रखनी है। आपकी प्रॉपर्टी पहले जो भी थी, पीपी था, आईपी था, इन्वेंटरी था, उसका क्लासिफिकेशन बदल रहे हो, वैल्यू आपको सेम रखना है। सीधी सीधी बात है, जिस दिन आपने क्लासिफिकेशन चेंज किया आपको वैल्यू सेम रखना है, पहला ये। अब आप उसमें पूछ रहे हो सर पहले पीपी था तो आपने रिवैल्यू करके रखा था, तो सर रिवैल्यूएशन सरप्लस कहां जाएगा, अब तो वो आईपी बन गया तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा रहेगा जब तक आप आईपी को बेच नहीं देते हो या राइट ऑफ नहीं कर देते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस जर्नलिज्म में तब जाता है जब आप एक्चुअली अपना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करते हो। यहां पर आपका अभी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, सिंपल। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा डाउट्स होने चाहिए बट फिर भी बच्चों के डाउट्स मैक्सिमम इस कैटेगरी में है। दूसरे जो थोड़े बहुत कैटेगरी में डाउट्स आ रहे हैं वो इसमें है कि पार्शियली यूज्ड फॉर बिजनेस एंड पार्शियली नॉट फॉर बिजनेस, तो ऐसे केस में सिग्निफिकेंट पोर्शन देखना है और कैपेबल ऑफ यूज्ड, सोल्ड, रेंटेड सेपरेटली देखना है। सर एक बार सीएफएस में क्या होगा वो बता दो। एज सच बेटा सीएफएस में कुछ भी नहीं होगा, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीएफएस में कुछ भी नहीं होगा। सीएफएस में एक डिफरेंट केस हो सकता है, सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिख रही है, सुनना, एक बहुत अच्छा केस बता रहा हूं। सब्सिडरी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिख रही है और सब्सिडरी ने यह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होल्डिंग कंपनी को रेंट पे दिया है और सब्सिडरी अपनी सेपरेट बुक्स में उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखा रहा है। सब्सिडरी ने उसको होल्डिंग कंपनी को दिया है रेंट पे, होल्डिंग कंपनी को दिया है रेंट पे, होल्डिंग कंपनी उस रेंटेड प्रॉपर्टी को एक्चुअली अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, ठीक है? होल्डिंग कंपनी अपनी उस प्रॉपर्टी को एक्चुअली बिजनेस में यूज कर रहा है और प्रॉपर्टी ओरिजिनली किसकी बुक्स में दिख रही है? सब्सिडरी की बुक्स में दिख रही है, ठीक है, सेपरेटली सेपरेटली दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही ये कंसोलिडेशन हुआ, होल्डिंग ने सब्सिडरी को कंसोलिडेट किया, तो सब्सिडरी की बुक्स में जो आईपी दिख रही थी, नाउ इट बिकम्स द PPE इन द कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज ओरिजिनली ये बिजनेस में यूज हो रही है, क्योंकि कंसोलिडेशन बनाते वक्त ये वन एंटिटी हो गई, ये सिंगल एंटिटी हो गई। तो ऐसे केस में ये केस हो सकता है कि जहां सब्सिडरी उसको आईपी दिखा रहा है पर कंसोलिडेशन में वो पीपीई दिख रहा है, और वाइस वर्सा, कंसोलिडेशन में वो आईपी दिख सकता है जबकि नहीं, वाइस वर्सा जनरली होगा नहीं, क्योंकि इसका एंड यूज आपको देखना है। एंड यूज अगर पीपी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तरह हो रहा है तो कंसोलिडेशन में आप उसको पीपी दिखाओगे, सेपरेटली वो आईपी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको नोट कर लीजिएगा कि सब्सिडरी इज शोइंग द प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट हैज रेंटेड सच प्रॉपर्टी टू द होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी इज यूजिंग दैट प्रॉपर्टी इन द बिजनेस, इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सच प्रॉपर्टी विल बी शोन अंडर पीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कन्वर्जन करने के पहले उसको इंपेयर्ड एंड रिवैल्यूएशन करना के एज पर ओल्ड ट्रीटमेंट बिफोर क्लासिफिकेशन, वॉट एवर। अगर आप रिक्लासिफिकेशन करने से पहले रिवैल्यूएशन करते भी हो पीपीई का, पीपी को रिक्लासिफाई करना है आईपी में और अगर आप रिवैल्यूएशन करना चाहते हो तो इट डजेंट मैटर, आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर लिस्ट अक्वायर्ड फ्रॉम अदर एंटिटी शैल बी ट्रीटेड एज इंटेंजिबल असेट, यस अंकित कुमार, इट कैन बी ट्रीटेड, कैन बी बोला मैंने, कैन बी ट्रीटेड एज इंटेंजिबल असेट अगर अदर कंडीशन फुलफिल हो रही तो। भाई तुम लोग बच्चे लोग कुछ कुछ बोलते हैं, आई थॉट इवनिंग में होगा, आई थॉट 9:30 होगा, आई थॉट, भैया मैंने पहले ही बोला हुआ है कि टेलीग्राम पे तुम लोग क्यों अपडेट नहीं रहते हो, मतलब अपना अपना अंदाजा लगाते हो, मुझे लगा ये होगा, मुझे लगा होगा, मुझे कोई तुम्हारे अंदाजे से मतलब नहीं है। सेशन विल बी एट 8:00, मैं कल से इतना गाना गा रहा हूं, मतलब यू गाइज आर लाइक कि यार कुछ सुनना ही नहीं है।
सो डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली कि ये वीडियो कब तक रखा रहेगा, कैसे रखा रहेगा, क्यों रखा रहेगा, काय को रखा रहेगा। ये नहीं है आपका मानना है कि सर शाम को होगा, सुबह होगा, ये क्या तरीका है? मतलब आप टेलीग्राम पे क्यों नहीं हो, आप अपडेट क्यों नहीं रख रहे हो अपने आप को? सर अगर होल्डिंग का आईपी हो और सब्सिडरी उसको बिजनेस में यूज कर रही तो क्या होगा? सेम सोमेश, अगर होल्डिंग उसको आईपी सेपरेटली दिखा रहा है और उसने रेंट पे दे दिया सब्सिडरी को और सब्सिडरी उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहा है तो कंसोलिडेशन में भी पीपीई दिखेगा, क्योंकि मैंने बोला एंड यूज अगर बिजनेस में हो रहा है तो आपको पीपीई दिखाना है, आपको फाइनली एंड यूज करना है, ठीक है? तो आईपी से पीपीई वाला हो सकता है कि मैंने अपनी बुक्स में आईपी दिखाया है बट अल्टीमेटली सब्सिडरी उसको बिजनेस में यूज कर रहा है तो कंसोलिडेशन में भी हम उसको बिजनेस ही दिखाएंगे। निहारिका, हाफ बिल्डिंग इज यूज फॉर बिजनेस, हाफ प्रॉपर्टी इज यूजुअली रेंट एंड नाउ टेम्पररली इज वेकेंट। ड्यू टू सच वैकेंसी प्रॉपर्टी इज टेम्पररली यूज फॉर बिजनेस एंसिलरी सर्विसेज। द एंटायर प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज पीपी, एंटायर प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज पीपी। निहारिका, सो प्लीज कीप दिस वीडियो फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स आफ्टर दिस सेशन। आई विल कीप दिस वीडियो आफ्टर द सेशन, आई विल कीप दिस वीडियो एज पब्लिक फॉर 1 आवर, बस फॉर पब्लिक फॉर 1 आवर बस। सर वो सब्सिडरी वाला पॉइंट वापस एक बार बता दो। सब्सिडरी इज हैविंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट हैज रेंटेड द प्रॉपर्टी टू होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी इन इट्स सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज डिस्क्लोजिंग द प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। होल्डिंग कंपनी हु इज एक्चुअली यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑन रेंट, होल्डिंग ओनरशिप में नहीं है, उसको रेंट पे यूज कर रहा है, होल्डिंग इज यूजिंग द प्रॉपर्टी इन इट्स बिजनेस। ओके, नाउ इन द कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी सच प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज पीपीई बिकॉज द एंड यूज इज इन द बिजनेस। अंकित कुमार, डेप्रिसिएशन कैन बी डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 4 different investment properties, 2 are land and 2 are land and building, so land के ऊपर depreciation लगेगा नहीं, या मान लो 4 में land and building है तो 2 के ऊपर अलग हो सकता है, 2 के ऊपर अलग हो सकता है, it can be different। holding company ने sublease कर दिया, in that case अगर holding company ने भी sublease कर दिया तो आप directly investment property दिखाओ, पर क्या होल्डिंग कंपनी का सबलीज करने का बिजनेस है क्या? अगर सबलीज करने का बिजनेस है तो पीपी दिखाएंगे, पर होल्डिंग करने का सबलीज करने का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है तो ऐसे केस में आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाओगे। मोहित, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। पीएस, थैंक यू। रेनू, थैंक यू। इंडेस 38 भी पब्लिक कर दो फॉर 1 आवर। नहीं करूंगा। होल्डिंग में सब्सिडरी के आईपी बिल्डिंग का जो रेंट पे किया उसके रेंट का सीएफएस में क्या होगा? मुझे पता था ये पूछोगे, पर खुद का दिमाग नहीं लगाओगे। मैच्योरिटी पर वर्ड रिवैल्यू का क्यों पूछ रहे हो? चेंज इन क्लासिफिकेशन कर रहा है तो मिड ऑफ, पहली बात तो कंपनी कभी भी चेंज इन क्लासिफिकेशन कम जानबूझ के मिड ऑफ द ईयर में करती नहीं है। जनरली क्लासिफिकेशन चेंज होता है बिगनिंग में, तो क्वार्टर के बिगनिंग में होगा, मंथ के बिगनिंग में होगा, तो जनरली क्वार्टर एंडिंग के अगर होगा तो क्वार्टर एंडिंग में तब तक का रिवैल्यूशन कर लो, डेप्रिसिएशन लगा लो, फिर चेंज इन क्लासिफिकेशन कर लो। चलो, नाउ आई थिंक यू आर आस्किंग द रिपीटेड लेवल ऑफ डाउट्स। आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन एंड द सेशन, दिस वीडियो विल बी मेड पब्लिक फॉर 1 आवर फिलहाल, ठीक है? 1 आवर के लिए रहेगा, आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए यहीं पर अपन लेक्चर को ओवर करते हैं, अपन मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में कल सेम टाइम 8 AM। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।